हेलो बच्चों क्या हाल चाल तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आज का जो अपना टॉपिक है बेटा

ठीक है जैसे बहुत सारी बेटा आपने ना मूवीज वगैरह देखी होगी तो आप देखते होगे ना टेलीविजन के ऊपर आप ऐसे ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ हो रही उसके बाद में पी 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 करके ऐसे पूरा है ना उस पर सो रहा होता है तो उसपे मतलब उसका मतलब क्या है हम उससे क्या समझ सकते हैं तो बच्चों हम अपनी जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं बॉडी सर्कुलेशन वाली उसके अंदर आज हम आप आप में पूरा -पूरा आपको टी रीड करनी है क्वेश्चन सोल्व करना है ठीक है आपका इतना ही काम रहता है एक, एक ही आपको समझाते हैं वही हम समझाते रहेंगे ठीक है समझो बेटा हमने हेडिंग यहाँ पे डाली है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफीजी अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राम इन दोनों टर्म को आप पहले समझ लें क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ग्राफ का मतलब क्या है ग्राम का मतलब क्या है है ना ठीक है सुनो जरा तो देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड ग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पहले समझ लो बेटा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ एक्चुअली में बेटा जैसे ग्राफ टर्म आता है जैसे हमने कहा -ग्राफ। ग्राफ का मतलब हमें ये समझ में आता है कि ये कोई रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि किसी पेपर के ऊपर किया जा रहा होगा लेकिन बेटा है इसका उल्टा। तो समझने वाली बात है इसका उल्टा यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब बेटा वो मशीन से है जिस मशीन के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं तो ये एक्चुअली में किसका नाम है बेटा उस मशीन का नाम है जिसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हार्ट की एक्टिविटी का करने वाले हैं पेपर के ऊपर ऑन पेपर है ना तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन इज अ मशीन है ना ये वो मशीन है बेटा जिसके द्वारा हम क्या करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक है अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है बेटा इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी जो हार्ट की एक्टिविटी है बेटा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो देखें बेटा अगर हम आप इसको समझाना चाहें है ना इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी जो कार्डियक एक्टिविटी है बेटा उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों टर्म को अच्छे से समझ लेना बेटा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब सर क्या होता है कैसे इसके अंदर हम क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पहले मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा फिर इससे मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं तो जरा ध्यान से एकदम ग्राफ को समझने की कोशिश करना बेटा देखो एक आपको ऐसे लाइन यहां पे ड्रा होती हुई दिखाई पड़ेगी बेटा ये लाइन कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे कुछ इसमें एक उछाल सा एक उभार सा दिखाई पड़ेगा इसके बाद में ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगी फिर यहां से एक डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा फिर डिप्रेशन के बाद में बेटा आपको एक बड़ी सी लाइन ऊंची से पीक आपको दिखाई पड़ेगी फिर इस पीक के बाद में बेटा ना ये पी थोड़ा और नीचे तक जाएगी और इसके बाद में आपको पे कुछ इस तरीके से बेटा एक और उभार दिखाई पड़ेगा एक और उछाल और इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा देखो जरा ध्यान से देखें ये जो बेटा पहला उछाल लिया आपको पहला उभार यहाँ पे जो दिख रहा है बेटा इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं पी से है ना ये जो दूसरा वाला है बेटा यहाँ पे जो जो डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है इस डिप्रेशन को हम क्यू बोलते हैं ये जो सबसे हायर एलिवेशन दिखाई पड़ रहा है आर बोलते हैं क्यू आर और ये जो फिर से डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है बेटा इसको एस बोलते हैं और ये जो आखिरी में बेटा यहाँ पे उभार दिख रहा है एक उछाल दिख रहा है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं P Q R S एंड T वेव यहां पर रिप्रेजेंट करी गई कितनी वेव हमने रिप्रेजेंट करी बेटा P Q R S T मतलब हमने पांच वेव यहां पर रिप्रेजेंट करी है बेटा अब इनका कुछ मायने है समझने की कोशिश करना बहुत बढ़िया टॉपिक है, है बेटा मजा आ जाएगा बस आप एकदम ध्यान से सुनते रहो देखो P वेव जो है बेटा जो पहला उभार है या पहला उछाल है उस इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है तो समझो अगर हम हार्ट को जरा बनाएं हम है ना देखो प्यारा सा बबुआ सा अपना हार्ट देख लो बेटा एकदम तुम्हारे जैसा है ना तुम्हारे जैसा लड्डू जैसा हार्ट देखो 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 ए यो 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 और यो ठीक ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो. समझे कि नहीं समझे समझे होगे मुझे ऐसा लगता है तुमने सब कुछ समझ लिया होगा अच्छा नहीं समझे कोई बात नहीं मैं समझाने जा रहा हूं देखो हाँ ये 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 और ये ये बेटा यहाँ पे ट्राइक स्पीड यहाँ पे बाइक ये एट्रिया ऊपर वाली दोनों और ये दोनों नीचे वाले वेंट्रिकल ये राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल अब सुनो जरा ध्यान से हमने कहा बेटा पहला उभार जो पी वेब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है बेटा ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये एटलिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा डीपोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ देखो यहां पे तो बेटा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन टर्म जो इस्तेमाल हो रहा है यही टर्म बेटा आपको जब हम कभी नर्व इंपल्स कंडक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे भी रिप्रेजेंट किया जाएगा जो हमारी पोटेंशियल होती है बेटा आपको यह पता होना चाहिए जनरली उसकी जो वैल्यू होती है जो पोलराइजेशन की वैल्यू होती है बेटा वो जनरली माइनस के अंदर होती है है ना अब जब हम उससे नीचे जाना शुरू करते हैं जीरो की तरफ जाते हैं फिर बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है उसको डीपोलराइजेशन वाले स्टेट बोलते हैं क्योंकि पोलराइजेशन माइनस से जरूर निगेटिव की तरह, जीरो की तरफ आ रहा है बेटा लेकिन कैसा हो रहा है वो वो कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ठीक है अगर मैं नुमरिक वैल्यू देखू तो बेटा वो कम होती हुई दिखाई पड़ रही जरूर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ बात आपकी सही है लेकिन क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू कम रही है, इसे डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन बोलते हैं का मतलब बेटा बेटा एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट स्टेट से से है है उस समय की से है बेटा जब कोई चीज किसी चीज को स्टिमुलस मिल चुका है अगर स्टिमुलस मिल चुका है तो इसका मतलब बेटा वो कॉन्ट्रेक्शन वाली फेज के अंदर जा रही यही चीज यहां पे भी बोली जा रही है कि जो पी वेव है बेटा ये एक्ट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है देखना जरा ध्यान से एट्रियल डीपोलराइजेशन एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है बेटा इसका मतलब क्या हुआ एट्रियाजनियस सिस्टोल है ना एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल सिस्टोल और सिस्टोल का मतलब जानते हो बेटा किससे है कॉन्ट्रेक्शन से है कॉन्ट्रेक्शन से है

Q वो सिग्नल है जब ये जो एट्रिया है बेटा इसका कॉन्ट्रेक्शन खत्म होगा एंड जस्ट आफ्टर क्यू वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की स्टेट आएगी मेरी बात समझे मतलब जो पी वेव है बेटा पी से क्यू तक क्या हो रहा है एट्रियल सिस्टोल चल रहा है जस्ट आफ्टर क्यू क्यू के जस्ट बाद में क्या स्टार्ट होने वाला है क्योंकि जस्ट बाद में स्टार्ट होने वाला है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली फेज तो अगर हम आपसे कहें बेटा ये जो पीक आर क्यू पीक क्यू आर एस जो पीक रिप्रेजेंट कर रही है बेटा ये पूरी पूरी पीक किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये पूरी पीक रिप्रेजेंट कर रही है बेटा वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब ये हुआ बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब बेटा वेंट्रिकल इज़ इन कॉन्ट्रेक्टेड स्टेज है ना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन समझे बबूआ लेकिन जस्ट आफ्टर क्यू है ना ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कब स्टार्ट होगा जस्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर क्यू समझेगी नहीं ये आपको पता होना चाहिए बेटा एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा है समझे अच्छा समझ गए होगे अच्छा देखो 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 इसके बाद में बेटा इसके बाद में के बाद में टी वेब आपको थोड़े टाइम बाद यहां पे टी वेब दिखाई पड़ेगी जब तक टी वेब नहीं आई हमने क्या कहा बेटा जब तक टी वेव नहीं आएगी तब तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन चलता रहेगा आप हमसे ये पूछ सकते हो सर इसका ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन इतना ज्यादा उछाल कैसे दिख रहा है क्शन ज्यादा टाइम तक होता है ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रेक्शन से कॉन्ट्रेक्शन काम क्या है पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाना है ना इसलिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन बड़ा जोरदार होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल थोड़े ज्यादा टाइम के लिए होता है और ज्यादा जोरदार होता है समझे अच्छा देखो अब इसको जरा आगे बढ़ाते हैं कहां तक लेकर जाते हैं बेटे टी तक लेके जाते हैं कहां तक टी तक लेके जाते हैं सुनो जरा ध्यान से हमने कहा कि ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है बेटा इसके अंदर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टेट हम रिप्रेजेंट कर रहे ये डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल तब तक वेंट्रिकुलर तब तक तक चलती रहेगी कॉन्ट्रैक्ट या फिर हम कहते हैं बेटा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इस टी वेव को बेटा क्या बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का मतलब ये हुआ बेटा रिपोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि वेंट्रिकल वेन्केज इन रिलैक्स स्टेट वेंट्रिकल, व्रिकुलर वेंट्रिकुलर ऐसे लिख देते हैं ना वेंट्री रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन ठीक है

आपको बेटा जब हमने कार्डिक साइकिल पढ़ाई थी उस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था, था, बताया था कभी भी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों साथ साथ कॉन्ट्रेक्शन वाली फेज में चले जाएं तो आपका मतलब बेटा हमारा ये है आपको समझाने का मतलब मेरा ये है कि जिस समय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा होगा वेंट्रिकल सिस्टोल फेज में जा रहा होगा बेटा वही टाइम है वही तो टाइम है जिस टाइम वेंट्रिकुलर डिफोलराइजेशन में, में, में जा रहा हो वही तो टाइम होगा मेरी बात समझे कि नहीं समझ में आया अच्छा देखो उस समय एट्रिया में जा रहा होगा उस समय उस समय फेज में जा रहा होगा और इसके बाद में बेटा ये जो पी यहां पर रिप्रेजेंट किया गया मतलब की दोबारा से शुरुआत मानी जा रही है मतलब ये से स्टार्ट हो चुका है समझ पाए अच्छा अगर ऐसा हम कुछ बेटा अगर हमें ऐसा कोई आ, ग्राफ हमें रिप्रेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए करना क्या होता है डॉक्टर क्या करता है तो जब भी कभी बेटा आपको ईसीजी करवानी होगी तो हमेशा कुछ लीड्स होती हैं बेटा उन लीड्स के द्वारा कुछ द्वारा कुछ परसीव किया जाता है पल्सेस को परसीव करने का काम किया जाता है वो कहां, -कहां पे लगाई जाती है बेटा जो एंकल सॉरी जो ये रिस्ट है ना आपकी दोनों हाथ की जो रिस्ट है बेटा इस रिस्ट पे लगाई जाएगी कलाइयों पे आपके है ना यहाँ यहाँ पे इसके अलावा जो लेफ्ट एंकल है लेफ्ट एंकल के पास में बेटा एक लीड लगाई जाएगी और यहाँ पे है ना रिस्ट पे आपके लगाई जाएगी दोनों ही रिस्ट पे आपके लीड्स लगाई जाएंगी और लेफ्ट एंकल पे आपको रिस्ट लगानी लगानी होगी इसके अलावा बेटा और बढ़िया से अगर और ज्यादा तो आपको चेस्ट में लगाने होती। लगभग में एंकल वाले रीजन पे हो गई जनरली बेटा एंकल, एंकल और रिस्ट से काम चल जाता है लेकिन अगर और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड डिसीजी है ये तो चेस्ट वाले रीजन में मल्टीपल लीड्स का इस्तेमाल करते बेटा लगभग छह लीड्स का ठीक है ओके समझ पाए सर अगर हमें पहचानना हो कि कोई बीमारी हमें आ, मतलब है या हम कैसे अगर हर्ट की एक्टिविटी को जानना चाह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है तो हम कैसे पहचान पाएंगे अलग अलग जो दिक्कतें हैं उसको हम कैसे जान पाएंगे तो सुनो जरा बेटा इसको हम नहीं मिटाते ये ऊपर वाली चीज मिटा देते हैं और इधर मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आपको ठीक है देखो ध्यान से देखते रहना बेटा ध्यान से देखते रहना पूरे कॉन्सेप्ट एकदम हंड्रेड परसेंट क्लियर होने चाहिए, चाहिए लेक्चर देखने के बाद समझे नीट लेवल का सवाल आपका कभी रुकना नहीं चाहिए इसके बाद में। अगर गया, तो फिर मतलब पढ़ाना हाँ, देखो, इदर, हाँ, देखो। से देखें आप अगर हमने कहा बेटा ये आपका हर्ट है इधर बबुआ सा हर्ट हमने बनाकर रखा है अब हमने इसके अंदर नोडल टिश्यूज की बात करी थी क्या बात करी थी नोडल टिश्यूज की नोडल टिश्यूज ही थे

द्वारा करी जाती है किसके द्वारा ऐसे नोड के द्वारा लगभग 72 बीट्स इसके द्वारा दी जाती है 72 बीट्स दी जाती है अगर कभी ऐसा हो अब अगर कभी बेटा ऐसा हो जाए कि आ, मतलब हमारा ना वो ऐसे नोड मतलब है ना मतलब बेकार हो जाए किसी तरीके से ऐसे नोड अगर, हो अगर बेकार हो जाए अगर ऐसे नोड बेकार हो गया बेटा किसी कारणवश तो क्या पी वेव जो ये पी वेव है दिखाई पड़ेगी पी वेव का मतलब क्या बेटा एट्रियल सिस्टोल

अगर एट्रिया सिस्टोल फेज के अंदर नहीं जा रहा है तो क्या पी वेव दिखाई पड़ेगी नहीं दिखाई पड़ेगी समझे तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा समझे ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसे 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 हो जाएगा है ना ऐसे हो जाएगा कब हो जाएगा बेटा जब ऐसे नोड डिस्टर्ब हो जाए ना एस ए नोट डिस्टर्ब ठीक है ऐसे हो जाएगा अच्छा अगर कभी ऐसा हो जाए अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऐसे नोड जो है सिग्नल तो बेटा यहां से आ रहा है लेकिन वो एवी नोड को दे ही नहीं पा रहा है मतलब कनेक्शन खत्म हो जाए नोड और एवी बंडल के बीच में नोड के बीच में अगर कनेक्शन ना हो पाए तो उस समय क्या होगा उस समय ये होगा बेटा कि अगर देखो अगर ऐसे नोड सिग्नल भेज रहा है एवी नोड को ऐसे नोड अगर एवी नोड को सिग्नल भेज रहा है बेटा ऐसे नोड को क्या बोलते हैं पेस मेकर और एवी नोड को क्या बोलते हैं पेस सेटर ये देरी लगा रहा था बेटा है ना जो यहां सिंपलसेज आ रहे थे उनको हार्ट के मस्कुलेचर तक मतलब जो एबी बंडल उन तक पहुंचाने में है ना तो सुनो जरा अगर बेटा ये एबी वाल को एबी वाल को मैसेज सेंड ना कर पाए किसी कारणवश अगर ये मैसेज सेंड ना कर पाए तो क्योंकि ऐसे नोड के इंपल्सिस कहीं जाना है लगभग तीन गुना ज्यादा होते हैं बेटा जो 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 इंपल्स जनरेट करता है ऐसे नोड वो तीन गुना ज्यादा जनरेट करता है इन कंपेरिजन टू एबी आप कहोगे सर एबी भी जनरेट करता है यस हर्ट के अंदर जितने भी नोडल टिश्यूज हमने बताए हैं चाहे वो ऐसे नोड हो चाहे एबी नोड हो बी बंडल हो बंडलाफे सुपरगिंजे फाइबर हर कोई बेटा जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो स्टिमुलस है बेटा वो हर किसी के द्वारा जनरेट किया जाता है लेकिन हम हमेशा ऐसे नोड का नाम इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि जो मैक्सिमम जनरेशन है वो ऐसे नोड के द्वारा किया जाता है और ऐसे नोड अगर स्टॉप कर गया बेटा ये स्टॉप कर गया पीवी वे, पी वेव नहीं दिखाई पड़ेगा अगर इसने बेटा एबी नोड के पास भेजना बंद कर दिया तो क्या होगा बेटा क्योंकि ऐसे नोड तेजी के साथ में स्टूबल देता है तो कई सारे पी वेव लगभग तीन ऊना ज्यादा होता है तो लगभग तीन पी वेव दिखाई पड़ जाएंगे उसके बाद के स्टूमुलस के द्वारा बना एवी नोड और एवी बंडल के स्टूबुलस के द्वारा बना और इसका स्टूमुलस इन कंपेरिजन टू तो ऐसे नोड काफी कम होता है तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है समझे अगर आपको पल्सेस बेटा अगर रिप्रेजेंट करने बेटा कितने पल्स आ रहे हैं वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये जो क्यू आर एस है ना इसी क्यू आर एस के द्वारा बेटा पल्सेस को हम नापते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल जितनी बार होगा मतलब जितनी बार वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा उतनी बार बेटा उस पंपिंग को देखा जा सकता है किसके द्वारा बेटा जो आपके यहां पे है ना जो 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 पल्सेस हैं उनको आराम से आप महसूस कर सकते हो जितनी बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा मतलब जितनी बार वेंट्रिकुल ब्लड को पंप करेगा मेरी बात समझ रहे हो आप ठीक है अच्छा ये बात हो गई बेटा किसकी ये बात हो गई पूरी तरीके से ईसीजी की है ना उम्मीद करते हैं ईसीजी का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा बेटा अगर इसमें कहीं कोई डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो या फिर बेटा टेलीग्राम पे जाके लिंक दिया है वहां पे आप पूछ सकते हो हम उम्मीद करते हैं बेटा आप पूरी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे अगर आपको अच्छी लग रही है तो बेटा कमेंट के अंदर हमें बताना है आपको कुछ और नए वीडियोस चाहिए किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो आप हमें बता सकते हो ठीक है इसी तरीके से बेटा चैनल पे बने रहें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें थैंक यू वेरी मच